मुआवजा कहना सौखा पर पंजाब सरकार वालों यह मिलता बड़ा औखा। पिछले साल साडे पिंड भी गड़ेमारी हुई तो मेरे को 5 किले ठेके ते सी। उस गड़ेमारी दे विच जिहड़े किले चो असी 80-80 किले 80-80 गट्टे भरदे सी, 7-7, 8-8 गट्टे एक किले दे विचों भरे। तो रात नूं गड़ेमारी हुई, जो सवेरे मैं पिता जी नाल खेत गया तो मैनू मेरे बापू नूं उत्थों फड़ के लिआउणा पिआ। जे किते मेरा बापू तड़के कला खेत चला जांदा तां मैनू पता है भी मेरे प्यो दा छाया मेरे उपर अज नहीं होना सी। इन्ना क ज़्यादा औखा सानू मुआवजा इत्थे मिलदा है। जदों कोई कुदरती करोपी आ जाती है तो मिलता की है 7 या 8 हज़ार रुपया। मेरे को जो मैं 5 किलों की गल करता हूँ, हरेक किसान की कहानी है। मेरा नुकसान तो होया जी 3-3.5 लाख रुपए का, पर मैं मिलया कि 8-5 40, वो भी 40 पूरा नहीं, 37 या 38 हज़ार रुपया मेरे अकाउंट के आया। कि इन्हें 32-33 हज़ार रुपए के नाल किसान अपनी धी का ब्याह कर लूगा, जो अपने परिवार वास्ते राशन आ जिहड़ा लियाऊगा। एक नॉर्मल किसान की राशन की जिहड़ी खपत है वो 50-60 हज़ार रुपए की एक साल की हो जाती है जी। मिलता सानू 30 हज़ार रुपया, तो वो असी की असी आपके जवाक पढ़ा लेंगे, जां असी आपदियां धीआं भैणां दे ब्याह कर लेंगे, जां फिर असी आपकी अगली फसल बीज लेंगे। मैं थोड़े तो यही पुछना चाहना, जे आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब दे विच अगले साल आउंदी आ तां थोड़ा इस चीज़ ते स्टैंड की होगा? असी खुश बहुत हाँ, तुसी 50 हज़ार रुपए मुआवजे की गल जिहड़ी आ दिल्ली के किसानों वास्ते की आ, बहुत खुशी की गल है। साढ़े किसानों वास्ते भी यही होना चाहिदा भी घट्टो घट्ट उन्हां क 50 या 60 हज़ार रुपया तो सानू मुआवजा मिले। असी नहीं चाहते कि किसी किसान की फसल खराब होवे, पर किसान का धंधा यह जा जी, हरेक बंदे का धंधा सेफ आ, हरेक दुकानदार सेफ आने, अपना समान चक के अंदर कर लेना जो गड़ेमारी होंदी आ, कारोबारी ने अपनी फैक्ट्री ढक लेना जो ढकी होंदियां ने, पर किसान को जी फसल होंगी है जी वो हमेशा खुले असमान के थले होंगी है। तो एदू बड़ा रिस्क है जोड़ा वो किसी का नहीं होंगे जिड़ा किसानों का होंगे। बेनती है जी सानू अज दस के जायो भी आम आदमी पार्टी का स्टैंड की है जी मुआवजे से। आड़ती बैठे हो गए, बहुत आड़ती की कहती है बीजेपी गौरमेंट, दलाल बिचोलीए दलाल बिचों खाते ने। मैं खुद जिमीदार मुंडा, मैं पार्लीमेंट दस्या, मैं क्या की होंगे ने आड़ती, आड़ती कौन है? आड़ती को साड़ी 6-6 महीनों बाद 2 फसलां जांदियां, पर उहदे विच सानू जिहड़े पैसे चाहिए है, भैण दा विआह आ गया आड़ती नूं कहांगे आजूगा पैसा, बापू नूं कोई बीमारी हो गई रजिंदर हस्पताल जाण तों पहलां आड़ती नूं फोन करदे आ, उहदा मुनीम जां उहदा मुंडा गेट ते खड़ा हुंदा पटियाले 2 लाख रुपया लई अद्धी रात नूं, अद्धी रात नूं। ते आड़ती कोले असी जाणिया आपदी फसल लैके, वह फसल लहाउंदा है, उहनूं पक्खा लवाउंदा है, ठीक है झार लवाउंदा है, उस तों बाद उहनूं बोली लवाउंदा, तलवाउंदा, तलवा के बोरियां च भराउंदा, तो शैलर च पहुँचाउंदा है। ही इज़ ए सर्विस प्रोवाइडर, 2.5% आपदा उधरों लैंदा, सानूं तां ही कुछ कहिंदा, सर्विस प्रोवाइडर है। ये कहिंदे बचोलीए, ते हुण बापू बीमार हो गया, डॉक्टर ने कहता DMC लै जाओ, अंडानियां नूं फोन करोंगे भी DMC पैसे पहुँचा दो जी, वो कहणगे अपना तो एग्रीमेंट ही नहीं होया अजे, तेरी फसल पक्क लैण दे फिर गल करांगे। होर तो होर साढ़े तो आड़ती रिश्ते कराउंदे ने, जिहड़ा आड़ती रिश्ता कराउंदा ना वो सब तो ज़्यादा चलता जी, वो सब तो ज़्यादा विश्वास वाला होंदा, क्योंकि दोनों परिवारों नूं जानदा होंदा है कि इहदे कोल इन्नी जमीन है इन्नी ठेके ते लैंदा है, इहदे कोल भी इन्नी जमीन है इन्नी ठेके ते करदा है, मुंडा है इहदे कोल इन्ना करजाई है इन्ना करजाई है, दोनों का रिश्ता कराउंदा जी, वो रिश्ते सब तो ज़्यादा मजबूत होंदे ने। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਔਰ ਆੜਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨਡਿਕਲੇਅਰਡ CA ਰਾਘਵ ਤੂੰ CA ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਨਡਿਕਲੇਅਰਡ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ CA ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਉਹਦੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਸਤੂਰੀ ਲਾਲ ਸਾਡੇ ਆੜਤੀ ਆ ਉੱਥੇ ਸੁਨਾਮ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਚਲੇ ਗਏ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਰਕਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ कहिंदे दरबार सिंह किन्नी चाहिए दादा जी कहिंदे 40 हज़ार चाहिए 25-30 साल पहले की गल है मैं छोटा हुंदा सी ते 40 हज़ार दरबार सिंह
की करना है? वो कहिंदे ओ गज्जण सिंह वाली जमीन नाल लगती है, खत्ता जिहा नाल ही लगता है, वह भी ले लैंदे आ फिर पूरे बन जू। तो आड़ती पता की कहिंदा, कहिंदा दरबार सिंह आपकी चादर मुताबक पैर पसारी दे हुंदे ने, नाल तां पाकिस्तान तक लगती जाती है, ये नाल लगना नहीं हटती। नहीं दिते जी उन्हें, नहीं दिते, क्योंकि उन्हें पता सी तू 40 अज लेके जाएगा, यदा ब्याज तेनों उस जमीन की प्रोडक्शन नालों ज़्यादा पै जूगा। सी ए सीगा वो साडा, इन्होंने सारे रिश्ते साढ़े तोड़ के रख देने ने। सो ये जिहड़ा स्पेयर पार्ट वाला, जे किसानी बिल लागू हो गए स्पेयर पार्ट वाला खत्म, खेती नाल स्प्रेयां जिहड़ी पेस्टीसाइड दीआं दुकानां खत्म, ठीक है ना। फिर तो बड़े बड़े वो तो आप दियाँ लैके आउणगे जी, उन्हां वो अपने तो थोड़ी खरीदणगे मोनोक्रोटोफास, उन्होंने थोड़ी पदान अपने तो लेनी है। सो इस करके मैं थोनू कहना, जिहड़ा भी तुसी काम कर रहे हो, एक तो सर दिल्ली की कनैक्टिविटी इत्थों मतलब बहुत पुअर है, ईवन तुसी भी अज फंक्शन खत्म करके, बड़ा वधिया हुंदा जे इत्थों कोई 5 बजे 7 बजे ऐसी ट्रेन जांदी, तुसी जाके 8-9 बजे दिन दिल्ली पहुँच जाते। तुहानू अज अमृतसर तो फ्लाइट लैनी पै रही है, बठिंडे तो अमृतसर जाओगे उतों फ्लाइट लाओगे। सो इतों कनैक्टिविटी दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली नाल तो बहुत ज़्यादा व्यापार का संबंध है, वो बारे भी सानू कोई ना अपन करना पैना सर। तो बाकी जो भी रोड मैप तुसी दसोंगे असी उन्हू इन्हां नाल होर दोबारा छोटिया नुक्कड़ मीटिंगां करके होर भी ज़्यादा जिहड़े सुझाव जिहड़े लैंदे रहांगे। तो मैं यही चाहना कि व्यापार वधूगा तो रोज़गार आऊगा, रोज़गार आऊगा तो साढ़े धियां पुत जिहड़े ने ओह बारले मुल्कां वल देखणों हटणगे, नहीं तो 15-20 लाख रुपया ला के आइलेट्स करके भज रहे हैं। इस मुल्क नूं छड्डणा नहीं, ये अपना ही मुल्क है। आपां ये ना कहा करिए चल आपां की लैणा, जे भगत सिंह होरी ये कह देंदे आपां की लैणा फिर हुण नूं अंग्रेज हुंदे, आपां क्यों नहीं लैणा यार, आपां ही लैणा, आपां हिसाब लैणा, मुल्क अपना, जिन्हां नूं आपां मुल्क दिंदे आ, जिन्हां नूं आपां सरकारां बना के दिंदे आ, उन्हां तों आपां हिसाब लैणा है। इहनां क्या करो आपां की लैणा, उन्हां कहो भी इधर आओ असीं थोड़े तों हिसाब लैणा, साडे घरां दे चुल्हिआं दी अग दे ओह जिम्मेवार ने। जदों जिहड़े भी सूबे च जिहड़े भी मुल्क दे विच चुल्हिआं दी अग ठंडी पै जाए ते सिव्यां दी अग दीआं लाटां उच्चियां हुंदीआं जाण, इह निकम्मे हाकमां दीआं निशानियां हुंदीआं ने। सो इह पंजाब दे विच चल रिहा है, आपां की करना है, सिव्यां दी अग ठंडी पाउणी है, भावें वह नशियां नाल मरी जांदे ने, भावें खुदकुशियां करी जांदे ने, ते आपां चुल्हिआं दी अग बचाउणी है तां कि पंजाब नूं दुबारे पंजाब बनाइए, ना बठिंडे नूं पैरिस बनाउणा है, ना पंजाब नूं कैलीफोर्निया बनाउण दी लोड़ है, सानूं साडा पंजाब मोड़ दो। की कह के ये कह के कि महला क्लीनिक बनावांगे, स्कूल बनावांगे, CCTV कैमरे लगणगे, होर ज़्यादा तरक्की करांगे, जे चंगे लगे 5 साल दे काम वोट पा दिओ, नहीं ना पायो ये कोई कह सकदा? इत्थे बादल साहब कैप्टन साहब कदों दे लगे ने, एक मौका होर दिओ जी, एक मौका होर दिओ जी, साडे तां मौके ही मुक गए इन्हां नूं मौके दिंदिआं नूं। सो इस करके जे नीयत साफ होवे तां सब कुछ हो सकदा है, नीयत साफ दी गल है। CM साहब इंडस्ट्री वाले बैठे ने, बिजली दी कमी, हालांकि बिजली पैदा करदा साडा पंजाब, तुसी बिजली खरीददे हो, तुसी 24 घंटे दे जांदे हो बिजली, साडे इत्थे बिजली दी कमी सब तो पहली मार इंडस्ट्री नूं, हफ्ते चों 3 दिन फैक्ट्रियां चलन गईआं बस पाबंदी, चलो जी हजे भी घट है, हफ्ते चों सिर्फ 2 दिन फैक्ट्रियां चलन गईआं। ते इत्थे खबरां जिहड़ियां आउंदियां ने इस गल दीआं नहीं कि फैक्ट्रियां चल रहीआं ने, इत्थे खबरां आउंदियां ने छापे पैंदे ने जदों कि बठिंडे दे विच 7 फैक्ट्रियां चलदियां फड़ियां गईआं, जिमें कोई शराब की भट्ठी नहीं चलती फड़ी जाती, फैक्ट्रिया चलदिया फड़िया गई, मतलब कारोबारी काम करता फड़िया गया, फिर कि माहौल काम कर लोगे जी तुसी? सो अज तुसी कुछ दशा तो दिशा इन्हों दस के जाओ, क्योंकि दिल्ली तुसी व्यापारियों गल करके दिल्ली के व्यापारी जड़े ने
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਟ ਸੀ, ਵੈਟ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ 12% 12.5% ਤੋਂ ਵੈਟ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵੈਟ ਦੀ ਉਹ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਪਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਵੈਟ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਵੈਟ ਦੇਊਂਗਾ। ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣੇ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ। ਬਸ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ, ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ, ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਨਗੇ, SEZ ਬਣਨਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਮੈਨੂੰ ਸਸਤੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮੇਰਾ ਟੈਕਸ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ CA ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਕਿ ਯਾਰ ਹੋਰ ਘਟਾ ਲਾ, ਹੋਰ ਘਟਾ ਲਾ, ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਪਾ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਹ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਇਮੇਜ, ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਵੀਰੋ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਮੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਦੇਖਿਆ। 70 ਸਾਲਾਂ ਹਨੇਰੀ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਾਨਣ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਹਨੇਰੀ ਸੁਰੰਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਫਸੇ, ਉਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਇਆ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਟੈਕਸ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਚੋਰ ਵੀ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੌਣ ਹੈ ਯਾਰ।